आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनकी काफी सारी समस्याएं आने से पहले खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग एक से अधिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, या फिर यूं कहें कि समस्याएं उनकी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक के बाद एक और वो हमेशा समस्याओं के चक्रव्यूह में घिरे रहते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं जब जीवन में आ जाती हैं तो उसके पीछे भी एक कारण होता है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और आपको इन समस्याओं से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों 8 अगस्त रविवार हरियाली अमावस्या, ऐसे तो इस उपाय को आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। अमावस्या दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। अगर आप के पितृ आपके ऊपर रुष्ट हैं, नाराज हैं दोस्तों, तो भी आपके ऊपर समस्याओं का तांता लगा रहेगा, आप कभी सुखी नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो पितृ का तर्पण या पिंडदान या फिर उनकी मोक्ष के जो भी उपाय हैं वो अवश्य कर लेने चाहिए। और ये श्रावण मास की अमावस्या है, इसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। श्रावण मास में किया गया कोई भी पूजा पाठ तप दान धर्म उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर आप इस अमावस्या में कुछ छोटा मोटा भी कर लेते हैं तो उसका आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। दोस्तों मेरी चैनल में पितृदोष निवारण की काफी सारी वीडियो पड़ी है, मैंने पितृ के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है, तो अगर जरूरत लगे तो वीडियो देखें और आप अपना उपाय कर लें। दूसरा दोस्तों, पितृ नाराज होते हैं तो राहु और केतु की भी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। तो पितृ का आप उपाय करेंगे तो राहु केतु का भी उपाय अपने आप हो जाएगा। और अगर समस्याएं एक के बाद एक आ रही हैं तो दोस्तों आप एक बार ध्यान दें, कहीं आपके काल सर्प दोष तो नहीं है। काल सर्प दोष कब होता है? जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तब ये काल सर्प योग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपको कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक के बाद एक समस्याएं आपको घेरती रहती हैं तो आपको ये क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्रिया है। इसमें आपको हरियाली अमावस्या में भगवान शंकर की एक छोटी सी पूजा करनी है। अगर काल सर्प दोष है आपके तो वो 100% दूर हो जाएगा और राहु केतु भी खुश हो जाएंगे। दोस्तों इस अमावस्या में रविवार के दिन है तो इसमें
रवि पुष्य नक्षत्र भी योग भी है, जो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इस नक्षत्र में किया गया कोई भी काम, कोई भी खरीदी करें या कोई भी अच्छा काम करें, शुभ काम, शादी के सिवाय इस नक्षत्र में कोई भी काम आपको कई गुना अधिक फल प्रदान करेगा, उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। इसी तरह अगर आप कोई भी छोटा मोटा भी पूजा पाठ कर लेते हैं तो उसका भी कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। उसके साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, मतलब आप कुछ भी करेंगे वो आपको सिद्ध हो जाएगा। तो ये नक्षत्र और ये योग कितने से कितने टाइम है वो मैं इसमें बताता हूँ। रविवार को सुबह 5:46 से 9:19 तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य नक्षत्र दोनों का टाइम सेम है, सुबह 6:46 से 46 मिनट से 9:19 तक ये पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो इतने टाइम के बीच में अगर आप पूजा कर लेते हैं तो दोस्तों उस पूजा की बात ही अलग है। जिनके पास समस्याएं ज्यादा हैं, उनको अगर लगता है काल सर्प दोष है तो उनको भगवान शंकर की पूजा करनी है। सुबह नहा धो के स्वच्छ होके आपको शिवालय में जाना है, और अगर शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो आपके पूजा स्थान में अगर छोटा मोटा भी शिवलिंग है तो आप बैठ जाए, स्वच्छ जल लें और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर, थोड़ा सा गंगा जल डालें और भगवान शंकर को भोग लगाना है। तो या तो आप बाहर से कुछ ला के रखें या फिर अपने घर में ही भोग के लिए कोई प्रसाद बना लें, और 3, 5 या 7 बेली पत्र आपको ले लेने, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और भगवान शंकर को श्रावण महीने में बेली पत्र अगर चढ़ा दिया तो उससे ज्यादा प्रिय उनको और कुछ नहीं। तो 3, 5 या 7 की संख्या में तीनों में से कोई भी आप बेलपत्री अरेंज कर लें और भगवान शंकर को चढ़ा दें और जल अभिषेक करें, उसमें दूध, गंगा जल और शुद्ध जल अभिषेक करें और मंत्र बोले ओम नमः शिवाय। सबसे पावरफुल मंत्र भगवान शंकर का ये है। तो जितनी देर आपका अभिषेक चलता है उतनी देर कंटिन्यू जो आप इस मंत्र को बोलें, दोस्तों आपका काल सर्प दोष 100% खत्म हो जाएगा। राहु और केतु की अगर दशा आपके ऊपर चल रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, खुशियां आपकी बरकरार रहेंगी और धन दौलत ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं तो अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। तो दोस्तों आप भगवान विष्णु की पूजा, ये जो मैंने समय बताया है, इस समय के अंदर आप अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। थोड़ा प्रसाद अरेंज कर लें और एक घी का दीपक जलाएं अगर आप घर में कर रहे हैं तो, दो अगरबत्ती लगाएं और आसनी पे बैठना है आपको, और आपको एक माला तुलसी की माला भगवान विष्णु के प्रसाद में, चाहे आप कोई मिठाई ले लें या घर पे हलवा बना लें या पंचामृत कुछ भी बना लें, तुलसी के पत्ते को आपको अवश्य रखना है उस प्रसाद में, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला करनी है तुलसी की माला लेके, और माला पूरी होने पे आपको जो प्रसाद रखा है उसका आपको भोग लगा देना है भगवान विष्णु को, और प्रार्थना करनी है आपके जो आप चाहते हैं, आपकी जो भी मनोकामनाएं
आपकी जो भी इच्छाएं अधूरी हैं वो आपको मन ही मन उनको बोलना है। आपकी सभी इच्छाएं 100% पूरी हो जाएंगी। ये हरियाली अमावस्या के दिन जिन लोगों को जो पूजा, जैसे अगर समस्याएं घेर रही हैं तो भगवान शंकर की पूजा करनी है, और जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करें। तो चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। इस पूजा का फल जब आपको मिलेगा तब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास ना हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो आप चाहेंगे वो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नमस्कार।